कैनेडियन वफद विच शामिल पांच मैंबर पार्लीमेंट्स वालों अपने रुझेवियां भरे प्रोग्रामा विचों कुछ समा कट के दिल्ली के तिलक नगर जाके चुरासी कतलेआम के पीड़ितों नाल खास मुलाकात की गई है। फिर उन्होंने दुख साझा किया गया। इस मौके मैंबर पार्लीमेंट्स वालों न्याय प्रणाली से भरोसा जताया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि इंसाफ जरूर मिलेगा। नाल ही उन्होंने लोगों से मुलाकात दौरान दसिया कि कैनेडा हमेशा उन्हों की मदद लई तैयार है। इस मौके मैंबर पार्लीमेंट राज गरेवाल ने पीटीसी न्यूज नाल खास गलबात की कुछ क्या उन्होंने आओ जानते हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत फेरी के 16 मैंबर पार्लीमेंट्स भी शामिल ने और फिर उन्हें ही मैंबर पार्लीमेंट्स में एक ने राज गरेवाल जो इस वे मौजूद ने। गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में। तुहाडे तों जानना चाहांगे इस फेरी को लैके बहुत सारिया क्या सराइया लगाई जा रही, बहुत सारे उम्मीदा लगाई जा रही इस फेरी को लैके, क्योंकि स्पेशली प्रधानमंत्री कैनेडा के पहली बारी भारत दौरे पर ने और तुसीं उन्हां दे डेलीगेशन का एक पार्ट हो, पर इस फेरी को लैके तुसीं इत्थे तिलक विहार में आए हो, इत्थे 84 कतलेआम के पीड़ित ने जो उन्हां नूं तुसीं मिलण आए हो, उहदा की खास मकसद है? सब तो पहले सारे दर्शकों प्यार बड़ी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आमीन वीर जी, अज अज असी इतने पहुंचे हाँ। यूनो मैं जो तो संगत गल भी करते असी 1984 बारे बहुत कुछ असी सुनिया, बहुत कुछ असी सीखिया, असी पार्लीमेंट के भी बोलिया कतलाम के बारे, तो असी हमेशा कहें दैट यूनो जिहड़ा कुछ होया 1984 हजे जस्टिस की गल नहीं पहुंची, वो अज इट हिट होम, अज दर्शन हुई हैं साड़िया मामा साड़िया भैन जिन्हां दे सारे परिवार खत्म हो गए थे 1984 दे विच। ये चीज़ भुलने वाली नहीं हैगी, असी किवें भुल सकते, असी बड़ी किस्मत वाले हाँ कनेडा दे विच असी रहने हैं, बट इफ सानू गुरु जी ने मौका दिता होया दैट असी MP बने हुए हैं उत्थे संगत ने सानू जताया दैट असी ये चीज़ बारे जरूर सानू गल करनी चाहिए। ये तो साड़ी कनेडियन वैल्यूज़ भी सानू कहिंदी आ, ये साड़ी सिख वैल्यूज़ भी सानू कहिंदी आ, जिहड़े कदे भी धक्का होया इन्ने लैवल ते दैट अज तक असी पार्लीमेंट के भी ये गल कही आ दैट इनसेंट लाइव्स वर रूइंड बिकॉज ऑफ 1984, मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स स्टिल एग्जिस्ट एंड द परस्यूट फॉर जस्टिस इज स्टिल ऑनगोइंग। असी हमेशा कहने दैट जिहड़े परिवारों ने काफ़ी कुछ सैक्रीफाइस किया 1984 भी भुलने वाली चीज़ नहीं हैगी, बिकॉज इफ अज साड़ी सिख कौम दिल्ली में रहती आ इज बिकॉज साडे हिंदू भैन भरा मुस्लिम भैन भरा ने उन्होंने काफ़ी डेंजर दे विच अपने सिख भैन भरा नूं प्रोटैक्ट किया। ठीक है जी, ये भी चीज़ असी हमेशा नोट करते होंगे, असी ए अज जदों दर्शन होए हैं मामा ते भैवा दियां, यू नो ये चीज़ भुलने वाली नहीं हैगी, तो असी कनेडा दे विच ते सारी दुनिया दे विच नहीं भुलने वाली चीज़। भारत के प्रधानमंत्री और कैनेडा के प्रधानमंत्री की आपस में मुलाकात होगी, की उम्मीदा लगा रहे हो तुम जो दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होगी, तो किस तरह के विषयों पर गलबात होगी, क्योंकि ट्रेड तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ नैफ्टा बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहे, क्योंकि कैनेडा अमेरिका और मैक्सीको जी गलबात नहीं आपस में बैठ पा रही है, भारत न किस तरह के रिश्तों की आ सकते हो ट्रेड संबंधी? सब तो पहला ट्रेड एक्चुअली काफ़ी इंपोर्टेंट हैगी है, कैनेडा तो इंडिया का रिश्ता काफ़ी वधिया हैगा, हिस्टरी के लोगों हमेशा प्यार हैगा, 1.2 million Canadians are directly related to India. $8 billion का ट्रेड होंगे इस समय के, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 1% कनेडियन या ट्रेड हैगा इंडिया के नाल, इंडिया हैगी वन ऑफ द फैस्टेस्ट ग्रोइंग इकानमीज, उत्थे सानू काफ़ी पोटेंशियल दिस रहे आ दैट असी इंडिया की इकानमी वास्ते किमें असी बेनीफिट करिए कनेडियन बिजनेस कनेडियन मिडल क्लास में, बट वो समय के असी ये भी नाल कहें कोई भी देश इंडिया होवे कनेडा होवे USA होवे मैक्सीको होवे कोई माड़ी ट्रेड डील नहीं चाहता, सो इफ ट्रेड डील कनेडा तो इंडिया की होगी वह म्यूचुअली बेनीफिशियल दोनों कंट्रियां दोनों देशों वास्ते वधिया ट्रेड डील होनी चाहिए आ। बट तुसी नैफ्टा भी सवाल पूछा, नैफ्टा की नैगोशिएशनस ठीक आ काफ़ी डिफिकल्ट हैगी आ, बट प्रोग्रेस हो ही जाती आ, असी भी नहीं चाहते कनेडियन सरकार दैट नैफ्टा सानू पता कि इंपोर्टेंट हैगी कनेडियन इकानमी वास्ते, पर अमेरिकन इकानमी वास्ते काफ़ी इंपोर्टेंट हैगी, 9 million अमेरिकन जॉब्स आर डायरेक्टली टाइड टू नैफ्टा इन द अमेरिकन इकानमी, सो उत्थे भी मेहनत कर रहे हैं इतने भी मेहनत कर रहे हैं चाइना नाल भी मेहनत कर रहे हैं, बट ये चीज़ यू नो ट्रेड डील्स हौली हौली होंदियाँ, इट डजंट हैपन ओवरनाइट।
अगले साल इलेक्शन होने जा रही ने, पर उस तो पहले भारतीय जरूर चाहते हो कि भारत और कैनेडा विचकार जो इमीग्रेशन लॉज है होर सुखाले हो सकन, उसके बारे किस तरह के रूल्स रेगुलेशन नवे लेके आ रहे हो? सो पहला 2015 सरकार आई है, 10 साल धक्का होया कंजरवेटिव पार्टी के इमीग्रेशन के बाद असी टोटल नंबर इमीग्रेंट्स का बधाया 2,40,000 तो 3 लाख बंदा तक, असी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जो 26 महीने लगता सो हम 12 महीने होंगे, असी सिटीजनशिप के रूल्स चेंज किए हैं दैट थोड़े पहले 5 साल चाहिए सी हूँ 3 साल रेजिडेंसी चाहिए आ, असी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दैट सारी इमीग्रेशन सिस्टम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो सिटीजनशिप तक अकाउंटेबल होवे, ट्रांसपेरेंट होवे, मोर एफिशिएंट होवे, चेंजेस काफ़ी आ रही हैं, बट असी यही कहने दैट यू नो कनेडा की जी इमीग्रेशन आ काफ़ी प्यारी आ सारे देश वास्ते, बट एकनोमिक इमीग्रेशन से साड़ी कंट्री फोकस हैगी ज़्यादा फोकस होगा। इतने तुम्हारे एक होर सवाल जरूर करना चाहवा कि सीरिया तो होर कंट्रीज तो रेफ्यूजीज बहुत वड्डी गिनती में एक्सैप्ट किए ने, कि हले भी वो प्लान्स जारी ने? तो यही है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होंगे वीर जी, कनेडा ने साडे प्रधानमंत्री ने इलेक्शन भी किया, वो तो बाद असी डिलीवर भी किया प्रोमिस से दैट यू नो कैनेडा हैज़ टू डू इट्स पार्ट, ठीक है जी, दैट असी हरेक फाइल इंडिपेंडेंट रिव्यू होंगी, अज भी कोई भी कंट्री के रेफ्यूजी अब कनेडा वास्ते अप्लाई कर सकता, इंडिपेंडेंट रिव्यू होंगी एंड इमीग्रेशन एज द अल्टीमेट डिसीजन, पर वह इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कनेडा कहता सी असी जो सा फर्ज बनता असी वो तो लौड़ तो ज़्यादा करा